हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो आज हम स्टैंडर्ड वन मेरी गोल बुक स्टैंडर्ड वन यूनिट वन में स्टार्ट करेंगे। स्टोरी है यूनिट वन में पेज नंबर 8 पर है आपकी स्टोरी। ये द थ्री लिटल पी। ओके, यहाँ पर बच्चों ये स्टोरी में ये कहानी है जिसमें सोनू मोनू एंड गोनू छोटे छोटे सुअर के बारे में है। सोनू है जो घास फूस से घर बनाता है और मोनू है जो अपना घर लकड़ी से बनाता है। और जबकि मोनू ओके और गोनू जो ईंटों से अपना घर बनाता है। ओके, फिर एक दिन एक क्रूर भेड़िया आता है और सोनू और मोनू के घरों को उड़ा देता है हवा की झोंकी से। देखो यहाँ पर दिखाई दे। ओके, बट गोनू के घर को वो नहीं उड़ा पाता क्योंकि वो बहुत ही मजबूत ईंटों से बना होता है ना। तो फिर भेड़िया वापस चला जाता है और इसके बाद सोनू मोनू एंड गोनू बहुत ही खुश होके ईंटों से बने हुए घर में रहते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है बच्चों, जो आपके लिए है। तो फर्स्ट यहाँ से मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो आप समझे और रीड करना। ओके, इसे समझे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वेयर थ्री लिटल पिग्स सोनू मोनू एंड गोनू। एक दिन एक समय की बात है, सोनू मोनू एंड गोनू नाम के तीन छोटे सुअर रहा करते थे। सोनू लिव इन द हाउस इन स्ट्रो, मतलब के सोनू कौन से घर में रहता था? घास फूस से बने हुए घर में रहता था। घास से बने हुए घर में रहता था। ओके, फिर मोनू लिव इन द हाउस द स्ट्राइक स्ट्रो एंड गोनू लिव इन हाउस ब्रिक्स मतलब कि ईट। ओके, ईट से बने हुए। तो मोनू लकड़ियों से बने घर में रहता था। ओके, घास के तीन के से मतलब स्ट्रिक लॉन्ग पीस लकड़ी के बने टुकड़ों से। समझ में आया? एक दिन पिग मतलब कि सुअर, देखो यहाँ पर सुअर का पिक्चर है। ओके, तो तीन सुअर थे, सोनू मोनू एंड गोनू, छोटे छोटे सुअर थे। ओके, तो सोनू का घर था घास से बना हुआ था। ओके, फिर मोनू का घर था जो लकड़ियाँ होती ना, लकड़ी के तिनके से बना हुआ था। और फिर मोनू का घर था मजबूत ईंटों से बना हुआ था, ईंट से बना, दिखाई दे रहा है पिक्चर में। ओके, वन डे बिग बैड वुल्फ कम टू सोनू हाउस। सी सेड, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and blow the house down. एक दिन बिग बैड वुल्फ मतलब कि भेड़िया। ओके, ये देखो भेड़िया। ओके, तो बहुत ही बुरा था। ओके, वो आया और सोनू को कहने लगा कि मैं तुम्हारे हाउस घर को फूक मार के, मतलब कि तुम्हारे घर को फूक मार के गिरा दूंगा। ओके, यहाँ लिखा ना हफ फूफ, ऐसे फूक मार के तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। ओके, तो सोनू रन द मोनूज हाउस और उसका हाउस फूक मारा, भेड़िया ने फूक मारा तो उड़ के नीचे गिर गया। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सोनू रन टू मोनूज हाउस और सोनू मोनू के घर भाग के चला गया। तो वो वुल्फ कम टू मोनूज हाउस और वो ये भेड़िया था मोनू के घर भी पहुँच गया। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। क्या बोल रहा था भेड़िया मोनू को भी कि मैं तुम्हारे घर को भी फूक मार के उड़ा दूंगा और तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ एंड पफ एंड ही ब्लो मोनूज
हाउस डाउन। और उसने भेड़िए ने ऐसे ही किया, पहले सोनू को घर को फूक मार के नीचे गिरा दिया क्योंकि वो घास फूस से तिनकों से बना था। ओके, फिर भेड़िए ने मोनू के घर को भी नीचे गिरा दिया क्योंकि वो भी एक छोटे लकड़ी के टुकड़े से बना हुआ था। ओके, तो दोनों के घर को गिराने के बाद हुए यहाँ पर मोनू के घर को भी गिरा रहा है ना। तो सोनू एंड मोनू रन टू गोनू हाउस। अभी सोनू एंड मोनू कहाँ भागे? गोनू के घर के तरफ। ओके, द वुल्फ कम द गोनूज हाउस। अभी वुल्फ भेड़िया सोनू के गोनू के घर के पास भी आया। ही सेड आई विल उफ हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। सो ही हफ एंड ही पफ बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। पेड़ी क्या करता है गोनू को भी कि मैं तुम्हारा घर भी हवा की फूक मार के उड़ा दूंगा। और वो फूक मारता है गोनू के घर पे, बट वो नहीं उड़ पाता। कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन। तो वो हवा से भेड़िए की फूक से नहीं उड़ता। क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि वो मजबूत ईंटों से बना हुआ घर होता है। किससे होता है? ईंटों से। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। कितना बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ओके, द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू गोनू लिव हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक्स हाउस। अभी तीनों एक ही घर में रहने लगे खुशी से। भेड़िया चला गया और सोनू मोनू एंड गोनू हैप्पीली लिव टुगेदर एक दूसरे के साथ खुशी से ईंटों से बने घर में रहने लगे। अच्छी थी ना स्टोरी बच्चों? तो आपको ये स्टोरी पढ़नी है और लिखनी भी है आपकी नोटबुक में। फिर यू न्यू वर्ड पढ़ना है एंड बी ए डी बैड बी आई जी बिग बी यू टी बर्ड एन ओ टी नॉट वन पिक ध एंड वॉस। ओके, चलो लेट्स रीड। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड, द पिग वॉज नॉट बिग। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। चलो यहाँ पर रीडिंग इज फन। हाउ मेनी पिग्स आर देयर? कितने पिग्स थे बच्चों? तो कितने पिग्स थे? तीन पिग्स थे, है ना। वहाँ कितने सुअर थे? तो देयर वेयर थ्री पिग्स। ओके, तो यहाँ पर आंसर है। मैं आप सबको ये क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी, बट अभी आप पढ़ लो। ओके, थ्री पिग्स, कितने पिग्स थे? थ्री भेड़िए थे, है ना। There were three pigs. तो यहाँ पर there were three pigs. Okay? आपको एक नोटबुक लेनी है। ओके, फिर अभी मैं अंडरलाइन करती हूँ वो सारे वर्ड्स। आपको नोटबुक में थ्री थ्री टाइम्स लिखना है। चलो पहले पी आई जी पिग, फिर आपको स्ट्रो स्ट्रिक ब्रिक्स, ये सारे स्पेलिंग लिखना है तीन तीन टाइम। ओके, हाउस कम हफ पफ। ओके, ब्लो अंडरस्टैंड, फिर एंड बैड बिग बट नॉट वन पिक द बस। ये सारी स्पेलिंग आपको थ्री थ्री टाइम्स लिखनी है। अदरवाइज नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको नोटबुक की क्लिप भी भेज दूंगी, तो आपको वो देख के करना है। ओके, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके, तो व्हाट डिड द बिग वुल्फ से टू द बिग, बड़े सुअर ने, बड़े भेड़िए ने सुअरों से क्या कहा? बड़े भेड़िए ने तो बिग वुल्फ से टू पिग्स That he would blow away their house. क्या बोला? उनके घर को फूक मार के उड़ा दूंगा, है ना। चलो अभी टेंशन नहीं लेना है, मैं आंसर आपको लिखवा दूंगी। ओके, टेंशन मत लो, अभी आप समझ लो ओनली। ओके, वॉज द वुल्फ गुड और बैड?
वुल्फ कैसा था, अच्छा था या बुरा था? सुअर वुल्फ कैसा था? तो वुल्फ इज अ वेरी बैड। ओके, व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ? तो हमारा किस घर किससे बना हुआ है? ऑफकोर्स ब्रिक से। ओके, हम शहर में रहते हैं ना, तो किससे बना है? ब्रिक से। ओके, फिर सैंड, सीमेंट से, सैंड से। ओके, हु इज गुड, कौन गुड है? ओके, पिग या वुल्फ? तो कौन गुड है? पिग। ओके, यहाँ पर लिखना है पिग। और बैड कौन है? वुल्फ। कौन बैड है? वुल्फ। ओके, नेक्स्ट, इमेजिन योर आर एट होम व्हेन यू द वुल्फ हूफ एंड पूफ। अभी हमारे घर को भी ऐसा कोई भेड़िया आके उड़ा जाए, हो सकता है, ऐसा इमेज करना है। क्या करना है? इमेज करना है। ओके, फिर यहाँ पर एक्ट आउट द स्टोरी द वुल्फ एंड थ्री पिग्स। अभी यहाँ पर एक्टिंग करनी है, हमें स्टोरी की एक्टिंग करनी है। चलो, ये हमें से अलाउड, ये ओनली बोलना है। वन ओ एन ई, वन टी डब्ल्यू ओ, टू टी एच आर डबल ई, थ्री एफ ओ यू आर, फोर एफ आई वी, फाइव एस आई एन, सिक्स। क्या है? एस आई एन सिक्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स। ओके, फिर अभी यहाँ पर डॉट, जॉइन द डॉट्स फ्रॉम द वन टू टेन टू मेक द हाउस, देन कलर द पिक्चर्स। अभी यहाँ पर डॉट को जॉइन करना है और हाउस का पिक्चर कंप्लीट करना है, फिर इसमें कलर करना है। चलो, यहाँ पर वन कहाँ है? वन। यहाँ पर टू, ये लाइन को ड्रो करनी है। ओके, फिर टू से थ्री, थ्री के बाद क्या आता है? फोर। अभी नीचे फोर, फिर फाइव, फाइव यहाँ पर, फोर से फाइव, फिर सिक्स, सिक्स के बाद सेवन, ये लाइन हमें जॉइन करनी है, सेवन, फिर एट और नाइन, एट से नाइन। ओके, फिर यहाँ से टेन। हो गया हमारा कंप्लीट घर, हो गया ना? तो अभी इसमें क्या करना है बच्चों? कलर फिल करना है। क्या करना है? कलर करना है आपको। ओके, फिर नेक्स्ट, यहाँ पर है द आर फार्म एनिमल। ये फार्म में रहने वाले एनिमल है। कहाँ पर रहने वाले एनिमल है? फार्म में। द वाटर एनिमल एंड जंगल एनिमल। यहाँ पर फार्म में रहने वाले, पानी में रहने वाले और जंगल में रहने वाले एनिमल के पिक्चर हैं। तो हेल्प द एनिमल रीच देयर होम, ड्रो द लाइन। अभी यहाँ पर देखो, बफेलो है, बियर है, हॉर्स है, हैन है, डॉग है, क्रोकोडाइल एंड फोग फ्रॉग। ओके, फिर काव है, मंकी है, फिर ये जिराफ है, राइनोज है। ओके, ये सारे एनिमल, कोई एनिमल यहाँ से जंगल में रहता है, कोई फार्म में रहता है, कोई पानी में रहता है। तो यहाँ पर है फार्म, ये वाटर। ओके, और ये है जंगल। तो आपको इनके घर पहुँचाना है। चलो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, हैन, हैन, हैन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हैन कहाँ रहता है? हैन, हैन कहाँ है? ओके, हैन फार्म में रहता है, तो फार्म में इसे ज्वाइन करना है। डॉग, डॉग भी फार्म में ही रहेगा। ओके, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल पानी में रहने वाले। ओके, फ्रॉग और क्रोकोडाइल पानी में रहेंगे। ओके, फिर मंकी है तो जंगल में, फिर जिराफ है तो जंगल में, कहाँ रहेंगे? जंगल में। राइनो, राइनो कहाँ रहेंगे? राइनो भी जंगल में। ओके, ये गलत है, पानी में नहीं करना है, राइनो भी जंगल में। ओके, मंकी, जिराफ और राइनो जंगल में, काव,
फार्म में, काउ फार्म में रहती है ना, ओके फार्म में। फिर बफेलो भी फार्म में। बियर है जो जंगल में, और हॉर्स है वो फार्म में, ओके अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। फिर से करवाऊँ, हैन कहाँ रहेगा, फार्म में। डॉग कहाँ रहेगा, फार्म में, क्योंकि ये पेट एनिमल हैं सारे, हॉर्स हैन डॉग, ओके। फिर क्रोकोडाइल तो ऑफकोर्स पानी में रहता है, ओके। फ्रॉग भी पानी में, काउ फार्म में रहेगा, ओके। मंकी राइनो और जिराफ जंगल में रहेंगे, ओके। फिर बफेलो और बियर भी जंगल में रहेंगे, सॉरी बफेलो फार्म में और बियर जंगल में। चलिए यहाँ पर सॉन्ग है, एक राइम से, बाउ वाउ से द डॉग, म्यू म्यू से द कैट, ब्लिट ब्लिट से द गॉड, रोर रोर से द लायन, हेलो हेलो से द चाइल्ड, ओके। ये आपको सिंग करना है, बहुत ही। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। आपको स्टोरी ये सारे क्वेश्चन आंसर भी मैं वर्कबुक में करवाऊंगी, तब लिखवाऊंगी, वर्कबुक में है ही ये सारे क्वेश्चन, ओके। और अभी आपको ये स्टोरी रीड करनी है और लर्न करना है, ओके। फिर राइट भी करना है, आपके पास टाइम है तो स्टोरी राइट करो, ओके। और थोड़े बहुत स्पेलिंग है जो मैंने आपको टिक करवाए हैं, वो स्पेलिंग आपको थोड़ा लर्न कर देना है, मतलब कि ईजी रहेगा रीड करने में, ओके। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।